Assalamu alaikum student, today I am starting the programming. This is chapter number 3, page 53. This program is important according to the board point of view. Page 53 question is, write the program that reads the base and height of a triangle and prints area using floating point values. कि आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस में जो बेस और हाइट उसको रीड करेगा और ट्रायंगल का एरिया प्रिंट कर देगा. दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम. नो आई विल एक्सप्लेन द ईच स्टेप ऑफ दिस प्रोग्राम. इंक्लूड आई स्ट्रिंग. दीज टू आर हेडर फाइल्स. ठीक है. दिस हेडर फाइल कंटेन द बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस हेडर फाइल कंटेन द कोडिंग ऑफ द गेट सी एच कोनी डॉट एच to display the output on the monitor. Program main se start hota hai. Float, base, height, area. These three are variables. Teen variables hain. ठीक है. अब memory cell में three variable के लिए three space reserve हो जाएगी. एक area के लिए reserve हो जाएगी. एक height के लिए. एक base के लिए. और ये these three variables हैं. और इन तीनों की जो data type है वो float है. Cout enter the base. This is string constant. String constant as it is display हो जाएगा. ये message लिखा हुआ आ जाएगा. Enter the base. उसके बाद end L जो ये show करता है कि end of the line और control जो automatically next line में चला जाएगा. C in base. ठीक है. ये insertion operator use हो रहा है यहाँ पर और सी आउट के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है जो सर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए. अब इंसर्शन ऑपरेटर अब हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो हम इधर जो भी वैल्यू एंटर करते हैं 4.5 वो जो बेस का जो वेरिएबल है ठीक है उसमें जाके ये स्टोर हो जाएगा. क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप फ्लोट लिए तो यहाँ पर हम फ्लोट वैल्यूज भी इंटर कर सकते हैं. ठीक है. हम फ्लोट वैल्यू यहाँ पर इंटर करेंगे जो डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल पॉइंट है. नेक्स्ट सी आउट इंटर दी हाइट. ठीक है. एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा. इंटर दी हाइट और यहाँ पे एंड एल हम यूज करेंगे ताकि जो हम इंट्री करें वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर हो. अब ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है. ये जो डबल कोटेशन के अंदर होता है इसे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं. ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है. ठीक है. इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता. इंटर दी हाइट सी इन हाइट. अब हम जो भी वैल्यू इंटर कर रहे हैं वो सी इन ऑपरेटर के थ्रू है और ये हाइट जो हाइट वेरिएबल है जो मेमोरी सेल में हाइट वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है उसमें जाके ये स्टोर हो जाएगा. यहाँ पे इस वक्त जो वैल्यू स्क्रीन में नज़र आ रही है वो 6.2 है. यूज़र कोई भी वैल्यू अपनी उस मुताबिक कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. यूज़र कैन इंटर एनी वैल्यू. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज द फार्मूला. दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया. अब बेस और हाइट की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 से डिवाइड होगी और सी में दिस इज द सेगमेंट ऑपरेटर और ये सारी वैल्यू राइट से यहाँ से लेफ्ट से असाइन हो जाएगी. राइट की सारी वैल्यू असाइन हो जाएगी. अगेन सी आउट स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा. द एरिया फॉर ट्रायंगल इज. ठीक है. और इन दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है और डिवाइडेड बाई 2 ये इसका ही आंसर आ जाएगा. उसके बाद गेट सी एच. ठीक है. बेसिकली दोबारा आपको बता देता हूँ थ्री वेरिएबल्स हैं बेस हाइट एरिया. ठीक है. इंटर दी बेस सीन बेस इस वेरिएबल में वैल्यू एंटर हो जाएगी. इंटर दी हाइट सीन हाइट हाइट वेरिएबल में एंटर हो जाएगी. फार्मूला लगा दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड होगी और एक तीसरा जो मेमोरी सेल है जिसका नाम एरिया है जिसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है और इसके अंदर वैल्यू इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गए ये 13.95 आ जाएगी. और ठीक है. और देन सी आउट और इस सी आउट स्टेटमेंट से ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और ये इसकी आउटपुट आ जाएगी. ओके क्लियर है. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स और मैसेंजर. ओके थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.